दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडसइंड बैंक इजी डाइनर क्रेडिट कार्ड के बारे में। जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों ये जो इंडसइंड बैंक का इजी डाइनर क्रेडिट कार्ड है, ये इंडसइंड बैंक का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, यानी कि इजी डाइनर के साथ पार्टनरशिप करके इस क्रेडिट कार्ड को तैयार किया था। सबसे पहले बात करें इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में, तो ये कार्ड लेने के बाद आपको इजी डाइनर की प्राइम मेंबरशिप आपको इस क्रेडिट कार्ड पर 12 महीने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, जिसको यूज करके आप प्रीमियम रेस्टोरेंट पर 25% से लेकर 50% तक का डिस्काउंट आप प्राइम मेंबरशिप के थ्रू आप ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको 2000 ईजी पॉइंट भी आपको वेलकम बेनिफिट में मिलेगा। इसके अलावा आपको 5000 रुपये का होटल स्टे वाउचर मिलेगा होटल पोस्ट कार्ड का। इस कार्ड के बेनिफिट की बात करें तो इजी डाइनर के रेस्टोरेंट पे आप डाइनिंग वगैरह करते हैं तो आपको प्राइम मेंबरशिप का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि आपको डिस्काउंट ऑफर वगैरह ये तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आप इजी डाइनर ऐप के थ्रू इजी पे करने पर आपको 25% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, यानी कि एक्स्ट्रा वो भी आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। और ये जो ऑफ रहेगा ये हर ट्रांजेक्शन पे आप 1000 रुपये तक का ऑफ इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं और एनी टाइम आप ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, आपको जो इजी डाइनर ऐप के थ्रू पेमेंट करते हैं वहाँ पे इसी क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करके ही आपको पेमेंट करना है। लेकिन आप सेम रेस्टोरेंट पे अगर आप दूसरा डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो उसके बीच की कम से कम आपको 2 घंटे का समय होना चाहिए, यानी कि 2 घंटे के बाद आप सेम रेस्टोरेंट पे आप अलग से डिस्काउंट ले सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो पेमेंट करना है वो इजी डाइनर ऐप के थ्रू इजी पेमेंट करना है। इसके अलावा आप किसी भी मेथड से आप पेमेंट करते हैं, चाहे UPI करते हैं या फिर आप कार्ड स्वैप करके करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो इस तरह के पेमेंट पे आपको ये जो एक्स्ट्रा 25% तक का ऑफ मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए यूज करना है। और इस क्रेडिट कार्ड के एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की बात करें तो 1 साल में आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। लेकिन आप पर कैलेंडर क्वार्टर में आप 2 लाउंज का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मूवी का बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि आप बुक माई शो से मूवी टिकट बुक करने पर आपको हर महीने 2 कॉम्प्लीमेंट्री मूवी टिकट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं up to 200 rupees तक के। यानी कि जो टिकट आप बुक करते हैं उसका अगर 200 rupees प्राइज है तो आपको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री टिकट मिलेगी। अगर 200 से ज़्यादा की उसकी प्राइज है तो आपको 200 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, बाकी पेमेंट आपको इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और ये बेनिफिट आप महीने में 2 बार इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। और ये जो मूवी का बेनिफिट है ये बाय वन गेट वन नहीं है, आपको एक टिकट पे ही आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप डाइनिंग, शॉपिंग या फिर एंटरटेनमेंट पे हर 100 रुपये खर्च करने पर आपको 10 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा। और इन कैटेगरी को छोड़ के बाकी इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी पेमेंट करने पर हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 4 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा, फ्यूल को छोड़ के बाकी कोई भी आप पेमेंट करते हैं तो। और इजी डाइनर पे आप ऑनलाइन कोई भी बुकिंग करते हैं तो उस पर भी आपको 3x इजी पॉइंट भी इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आपके क्रेडिट कार्ड पे जितनी लिमिट है उसके आप पूरे के पूरे रिवार्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे ले सकते हैं, यानी कि एक तरह से आपको किसी तरह की कोई भी कैपिंग यहाँ पे नहीं मिलेगी। और इस क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए आप इजी डाइनर ऐप के थ्रू आप रिडीम कर सकते हैं और रेस्टोरेंट का बिल पेमेंट आप इन रिवार्ड पॉइंट्स के थ्रू बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू की यहाँ पे बात करें तो 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 20 पैसे तक की इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगी। और इन रिवार्ड पॉइंट्स की वैलिडिटी आपको 1 साल के लिए इस क्रेडिट कार्ड पर आपको रिवार्ड पॉइंट्स वैलिडिटी मिलेगी। और इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज है वो भी आपके लिए वेवर ऑफ मिलेगा। लेकिन वेवर लेने के लिए आपका जो फ्यूल का ट्रांजेक्शन है वो कम से कम 400 रुपीज का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 4000 का होना चाहिए, यानी कि 400 से 4000 के बीच का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज आपके लिए वेवर ऑफ रहेगा। साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 0 लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी का बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इमीडिएटली आपको इंडसइंड बैंक को रिपोर्ट देना होगा। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो वो सारी की सारी लाइबिलिटी है वो इंडसइंड बैंक की होगी, इसके लिए आप लाइबल नहीं होंगे। साथ में ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है ये आपको कॉन्टेक्टलेस फीचर के साथ मिलता है। आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे 5000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन है वो बिगर पिन के बड़ी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के फीस के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको 1999 रुपीज का ज्वाइनिंग चार्ज आपको देना होगा। लेकिन ये ज्वाइनिंग चार्ज दे देते हैं तो आपको वेलकम बेनिफिट भी काफी अच्छा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। वहीं इस क्रेडिट कार्ड के एनुअली चार्जेस की बात करें जो हर साल लगने वाला चार्जेस है वो भी सेम रहेगा, 1999 रुपीज का चार्जेस आपको देना होगा।
ये जो रिन्यूअल चार्जेस रहेगा ये वेवर ऑफ करने का कोई भी कंडीशन इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं है, आपको हर साल इस क्रेडिट कार्ड का ये जो चार्ज है ये देना ही होगा। बट ये जो चार्जेस आप दे देते हैं तो आपको जो इजी डाइनर का प्राइम मेंबरशिप आपको मिलता है वो भी आपको हर साल रिन्यूअल होता रहेगा, तो ये बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मेरा ओपिनियन बताऊं तो मुझे ये क्रेडिट कार्ड काफी अच्छा लगा है। हालांकि इस क्रेडिट कार्ड की थोड़ी फीस ज्यादा है, अगर इस क्रेडिट कार्ड की 1000 के आसपास फीस होती तो भी काफी अच्छा हो सकता था, लेकिन फिर भी ये अच्छा है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बस यही था इंडसइंड बैंक इजी डाइनर क्रेडिट कार्ड की जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो और आपके काम की लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना, साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखना ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।